हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, एसेंचर के एग्जाम रिजल्ट है फाइनली आउट हो चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर दिया है। तो रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले कि जैसे कि एसेंचर का रिजल्ट आउट हो चुका है तो बहुत सारे लोगों को कांग्रेचुलेशन मिला है, नेक्स्ट राउंड का मिला है एंड बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उन्हें रिग्रेट मेल भी देखने मिला है। तो दोनों ही मेल के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की गई है मेल में उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सेकंड राउंड जो है कम्युनिकेशन राउंड वो भी क्लियर हो चुका है एंड उन्हें इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग का भी मेल आ चुका है एंड उनका इंटरव्यू भी शेड्यूल हो चुका है। तो तीनों ही मेल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज आप देख सकते हो स्लॉट बुकिंग मेल जो आया है उसके बारे में बात करेंगे, रिग्रेट मेल आया है, इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अभी ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो एसेंचर का भी इंटरव्यू ऑनलाइन रहने वाला है ऑफलाइन रहने वाला है, इसके बारे में आगे की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक के जरूर देखना, वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड जैसे कि आप देख सकते हो सभी जो अपडेट थी मैं रेगुलरली आपको दे रहा हूँ एसेंचर की तरफ से, जो भी अपडेट्स आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ओके आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आपका अभी तक का एसेंचर का कम्युनिकेशन राउंड नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो है वो रेफर कर सकते हो, अगर आप सर्च करते हो एसेंचर कम्युनिकेशन आपको ये वीडियो देखने मिल जाता है हमारे चैनल पे। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे आप देख सकते हो एसेंचर कम्युनिकेशन असेसमेंट किस तरह से होता है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको देखने मिल जाती है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कैसा होता है, किस तरह से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ओके तो ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना। ओके अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मेल आपको आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड एंड क्लियर्ड अवर कॉग्निटिव असेसमेंट। तो गाइस यहाँ पे मेल का टाइटल आता है कॉग्निटिव असेसमेंट अपडेट। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड एंड क्लियर्ड अवर कॉग्निटिव असेसमेंट। तो जिन्होंने भी एग्जाम क्लियर कर दिया है उन्हें इस तरह का मेल आता है कि यू हैव कम्प्लीटेड एंड क्लियर्ड अवर कॉग्निटिव असेसमेंट। ओके यू हैव नाउ एन ऑप्शन टू अटेंड द टेक्निकल असेसमेंट ऑन द टूल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव असेसमेंट एक एलिमिनेशन राउंड है, अगर आप वो क्लियर नहीं करते हो तो आपको रिग्रेट का मेल आता है एंड अगर आप क्लियर करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हो। एंड जो नेक्स्ट राउंड होता है वो टेक्निकल असेसमेंट है जो कि एक ऑप्शनल राउंड है। ओके अगर आप टेक्निकल असेसमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर नहीं देना है तो नहीं दे सकते हो। ओके कोई कंपल्शन नहीं है। प्लीज क्लिक येस इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड कीप द असेसमेंट ब्राउजर एक्टिव अंटिल द एंड ऑफ द असेसमेंट। प्लीज क्लिक नो इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड क्लोज द ब्राउजर। ओके तो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। इफ योर असेसमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑटोमेटिकली प्लीज यूज द सेम लिंक टेस्ट लिंक शेयर्ड ओवर कॉग्निटिव क्रेडेंशियल मेल टेम्पलेट। ओके तो ये चीज आपको देखने मिल जाती है। यू विल रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम अवर एंड अबाउट द नेक्स्ट स्टेप इन योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, गुड लक। ओके तो अगर आपको इस तरह का मेल आया है तो इसका मतलब आपका कॉग्निटिव असेसमेंट क्लियर हो चुका है एंड अगर आपने टेक्निकल असेसमेंट दिया है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है वो कम्युनिकेशन राउंड होने वाला है, वो कैसे प्रिपेयर करना है उसका वीडियो तो मैं आपको दिखाई चुका हूँ, आप हमारे वीडियो को रिफर कर सकते हो कम्युनिकेशन राउंड प्रिपरेशन के। ओके एंड इसके रिलेटेड जो भी आगे मेल है वो आपको असेसमेंट एसेंचर आपको मेल के थ्रू कन्वे करती रहेंगी जो भी इन्फॉर्मेशन है। ओके अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये जिनका क्लियर नहीं होता है उनको कुछ इस तरह का मेल आता है जहां पे आप देख सकते हो थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ करियर विद एसेंचर, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड विद योर कैंडिडेचर बेस्ड ऑन अवर स्कोर इन योर कॉग्निटिव असेसमेंट। ओके तो जो कॉग्निटिव असेसमेंट में परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे एसेंचर जो है रिग्रेट मेल सेंड कर रही है जहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि आप जो रिक्वायर्ड स्कोर था जो कट ऑफ था वो आप क्लियर नहीं कर पाए। योर रिक्रूटमेंट जर्नी एंड्स हियर एंड वी विल क्लोज योर कैंडिडेचर अकॉर्डिंगली। ओके तो आपका रिक्रूटमेंट जर्नी खत्म हो चुकी है यहाँ पे एसेंचर की एंड आपका कैंडिडेचर क्लोज कर दिया जाएगा। ओके तो यही बेसिक चीज आपको देखने मिल जाती है। ओके एंड ये दो चीज हो गई कि जिन्होंने कॉग्निटिव असेसमेंट दिया जो क्लियर हुए उनको मिला है एंड जो रिजेक्ट हुए उनको मिला है। अब जो थर्ड मेल में आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनका कम्युनिकेशन राउंड भी क्लियर हो चुका है एंड कम्युनिकेशन राउंड क्लियर होने के बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाता है गाइस यहाँ पे इंटरव्यू। ओके तो उनका इंटरव्यू भी शेड्यूल हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मेल देखने मिल जा रहा है कैंडिडेट्स को कन्फर्मेशन ऑफ योर वर्चुअल इंटरव्यू स्लॉट। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो थैंक यू फॉर कन्फर्मिंग योर इंटरव्यू स्लॉट, योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द 1st of July at 2 PM। ओके तो फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है जिन्होंने 1st of July को 2 PM का स्लॉट चूज किया है अपने इंटरव्यू का। ओके 1st July को बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू है एंड उन्होंने पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट चूज किए। ओके एंड यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज देखने मिल जाती है इंटरव्यू राउंड विल बी कंडक्टेड वर्चुअली। तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो वर्चुअली कंडक्ट किया जाने वाला है एंड कैंडिडेट जो है इंटरव्यू
कहीं से भी जो है अटेंड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है कि आपको कहाँ से करना है, वर्चुअली तो आप अपने घर से अटेंड कर सकते हैं। ओके, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एंड बी फिजिकली प्रेजेंट एट एनी सेंटर फॉर इंटरव्यू राउंड। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है, वर्चुअली घर पे बैठ के ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। इंश्योर दैट यू लॉग इन एंड बी प्रेजेंट एट द वर्चुअल इंटरव्यू लॉबी 15 मिनट्स प्रायर टू अवर इंटरव्यू प्रोसेस। ओके, तो ये चीज दी गई है 15 मिनट्स पहले इंटरव्यू के आपको लॉग इन कर लेना है एंड वहां पे वेट करना है इंटरव्यूअर का। एंड कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी गई है जो कि आपको इंटरव्यू एग्जाम के टाइम भी दी थी, वही सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। ओके, एंड फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम देखने वाले हैं। इंश्योर यू आर इन अ रूम विच डज नॉट हैव एनी डिस्टर्बेंस। ओके, तो आपको एक साइलेंट रूम में बैठना है ताकि आपको इंटरव्यू के टाइम भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, कोई भी एक्सटर्नल साउंड ना आ रहा हो। इंश्योर यू हैव पावर सप्लाई एंड अनइंटरप्टेड डाटा कनेक्टिविटी टू योर सिस्टम। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कोई भी डिस्टर्ब कोई भी इंटरप्शन ना हो एग्जाम के टाइम पे, एंड पावर सप्लाई भी कट नहीं होना चाहिए। ओके, यू विल हैव टू लॉग इन विद योर कैंडिडेट आईडी और विद क्यूआर कोड अवेलेबल इन योर एडमिट कार्ड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू। ओके, तो आपको कैंडिडेट आईडी दी गई है उसके थ्रू आपको लॉग इन कर लेना है। यू विल बी इन अवर इंटरव्यू लॉबी टिल यू आर नोटिफाइड ऑन इनिशिएटिंग योर डिस्कशन। ओके, तो आपको लॉबी में वेट कर लेना है, उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। You will have to promptly action by acknowledging our consent and complete system check before attending the virtual interview discussion. Okay, तो आपका system check होने वाला है जहां से पता चलेगा कि आपका system eligible है या नहीं interview देने के लिए। सभी जो requirements है जैसे webcam working होना चाहिए, mic working होना चाहिए, speaker working होना चाहिए, बस यही चीज basic होता है। अगर आप exam जिस system में दिए हो उस system में आप easily interview भी दे सकते हो। तो कुछ इस तरह के updates थे जो कि मैं आपको देना चाहता था आज की वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्शन मेल आया, बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन मेल आया, नेक्स्ट कम्युनिकेशन राउंड का मेल आने वाला है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी शेड्यूल हो चुका है। ओके, तो यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे और भी वीडियोस आपको देखने मिल जाते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो, एंड रेगुलरली एसेंचर की तरफ से अपडेट मैं आप सभी को शेयर करते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।